क्या राज, अरे समय मैं तुम्हारे साथ में प्रेम कर बगैर नहीं जा सकता हूँ। कृष्ण जी राजा क्या राजा सुन ले खबरदार राजा, अरे आप तो ऐसा रिश्ता आपसे सुंदर तो मिला रात भर में नौकर, मैं छत्रानी हूँ राजा, कोई साधारण का स्त्री नहीं जो मुझे आपको ट्रेनी बनाकर राज महल से आप ले जाइएगा पत्थर गिरा और चाहे तो एक कल्या झार के। ठीक है रानी, इस समय नाम करके मैं पत्थरी गिरने जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ में पाला करता हूँ, एक न एक दिन तुम्हें पत्थरी करके रानी बना करके रखूंगा। अरे जा 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 चले छोड़ी, तू कहेगा कि पठानी बनी हूँ। भाभी क्या दौर थी छोड़ा झोल नहीं है, उठो बेटा उठो, नींद आ गया। चलिए हाँ देवर जी, मैं अपने झूला झूल कर दिल का मन को पूरा कर ली। ठीक है झूले लो, झूले खोलो। भाई सरदार आइदल सरदार बोलो कैसे लगाईली भैया भाभी सनमा के भावी सोना का झूला झुलाने के लिए लेके गया था, उसी तरह राज महबिया में लेकर आया हूँ। ठीक है भाई, उधर ठीक है भाभी, रंग महल को चलिए, चलिए भाभी। इस समय मैं चलता हूँ, चल करके देवी माँ की आराधना करता हूँ, क्योंकि मैं जब से उस रानी को जब से दिखा हूँ, जब से उसका सूरत मेरे दिल में गड़ गया है, इसलिए चलता हूँ और चल करके देवी माँ से
ये सब बात कहूंगा। माँ मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रही है माँ? Yeah.
माँ मुझे दर्शन दो, माँ 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 बेटा, मैं तुम आराधना पर खुश हूँ। बोलो बेटा, क्या मांगना चाहती हूँ? माँ प्रणाम। माँ खुशी रहो। माँ मैं नवल बाग में गया था, माँ रानी सोना से मुझे मुलाकात हुआ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ माँ कि रानी सोना को अगर तुम पथरीगढ़ में ला करके दे देगी तो मैं तुम्हारे लिए सोना के मंदिर बना दूंगा माँ, सोना के पिंड बना दूंगा, यहां तक के कि सोना के कोख से जो बालक पैदा लेगा उसका बलिदान दूंगा माँ। नहीं बेटा, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। जैसा तुम भी मेरे पुजारी हो, जैसे मेरा सोना भी पुजारी है, ऐसा मैं कभी नहीं कर सकती हूँ। नहीं माँ, हाय हाय सोना के माँ, thank you.
बेटा मैं तुम्हारे लिए सोना के मंदिर सोना के पिन बना दूंगा माँ। नहीं बेटा ऐसा नहीं हो सकता है बेटा, जैसे तुम मेरा दिन के पुजारी हो जैसे मेरा सोना भी पुजारी है, मैं कैसे ऐसे कर दूंगी बेटा। माँ माँ मैं सोना के मंदिर बनाने का दुपर भी मुझ पर खुश नहीं हो रही है माँ, लेकिन माँ मैं तुम्हारे से वादा करता हूँ माँ, किरानी सोना के कोख से जो पहला पुत्र होगा उसका मैं बलिदान दूंगा माँ। क्या क्या सोना का जो पहला पुत्र होगा तुम मुझे बलिदान में दे दोगे? हाँ हाँ माँ, लेकिन जब तुम रानी सोना के ला सकती हो ना माँ। ठीक है बेटा मैं तुम्हारी बात मानती हूँ। ठीक है माँ प्रणाम माँ खुशी रहो। अरे तूतभूत ए तूतभूत खुशी रहो खुशी रहो। क्या माँ हमने दोनों भाई दूत भूत के तिथलिए बुलाए हैं माँ। इस समय तुम लोग चले जाओ राजमहुआ में और रानी सोना को उठाकर नरवलगढ़ बाग में लाना है। नहीं माँ। अरे भैया माता हमसे नहीं होगा माँ, बाप रे बाप वो जादू जानते हैं माता, हम लोग को बचने नहीं देंगे। अगर तुम ऐसा नहीं किया तो ऐसा शराब देंगे कि तुम सात जन्म तक मनुष्य नहीं बन पाओगे। नहीं माँ ऐसा मत कीजिए माँ, मुझे कुछ उपाय दीजिए माँ कि मुझे जादू से मैं बच सकूं। मैं तुम्हें साथ हूँ, तुम जाओ इस मैयानी सोना को उठाकर नवलगढ़ बाग में ले आओ। जैसा आज्ञा हूँ माँ, अगर जो जादू मारेगा तो मैं क्या कर सकता हूँ कुछ हमें चिन्हा से दीजिए माँ, उसे मैं भी जादू मार दूँ। एवं वस्तु मेरे साथ है। जैसा आज्ञा हूँ माँ। चल रहे ले बिटाइनर, आज मुझे एकादशी व्रत का दिन है इसलिए सुनो बेटा। बोलो माँ। तुम्हारे माँ व्रत के लिए है इसलिए मेरा साथ चले सोले। हाँ सासू माँ, आज एक नरसी व्रत का दिन है, स्त्री अकेले सोती है, सारी गाना बता कर रख देती है। नहीं माँ मैं दादी के पास नहीं जाऊंगी क्योंकि रात भी आपको साथ में सुतू था और आज भी मैं सुतूंगा माँ। नहीं नहीं बेटा बात मानो। नहीं माँ पोता इंदल, अरे बात मान जाओ, अरे तुम्हारे मामी
व्रत कह ले इसलिए चलो मेरा साथ चल मेरे साथ रहना। हाँ चलो बेटा जाओ और बात मानो। अरे मेरे अंग अंग में है जादू रे मेरे अंग अंग में है। एकादशी व्रत का दिन है और सारी जादू का डिब्बा मैं बंद करके रख देती हूँ। अरे अकेले में सो रहा हूँ। Thank you.
अरे क्या सोना को पथरीगढ़ में पहुंचा दिया। हाँ माता, आपको आज्ञा तो मैं पालन कर दिया माता, पथरीगढ़ बगीचा में मैं पहुंचा दिया हूँ माँ। ठीक है, तुम लोग जा सकते हो। सलाम माँ, गलती के क्षमा करना माता। चल, अब मैं चलती हूँ बेटा ज्वाला सिंह के पास। कहाँ है उसको मैं ये खुशखबरी सुना देती हूँ। ये तो बताओ माँ कि मुझे कच्चा नींद जगाने के कारण क्या है माँ।
तुम्हें एक अच्छा नींद जगाने का ही कारण है। राज मुआवजा सी रानी को लाकर नवल बाग में पथरीगढ़ बगीचा में लाकर रानी विश्राम कर रही है, जाके मुलाकात कर लो बेटा। ठीक है माँ, क्या आने सुना को तुम बगीचा में लाकर के धर दी माँ? हाँ बेटा, ठीक है माँ, प्रणाम माँ, खुशी रहो।